हेलो एवरीवन, आई एम लकी महंत एंड यू आर वॉचिंग लकी महंत यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हुए हैं एसएससी जीडी का फीमेल का स्पेशली छत्तीसगढ़ के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, है ना। इस पर हम बात करने वाले हैं कि किस किस टाइप के कट ऑफ जाएंगे, बाकी सब एक कैटेगरी वाइज बात करने वाले हैं। इसके अलावा हमने इसके पहले एक वीडियो पे छत्तीसगढ़ के लिए मेल का कट ऑफ बनाए हुए हैं एक्सपेक्टेड, जिसपे बहुत सारे आपने प्यार भी दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और इस पे भी प्यार बताएंगे, मैं मान के चलता हूँ। इसके अलावा जो जिस जिस स्टेट का बनानी है या फिर जो बनाते नहीं है, कवर नहीं करते, वहाँ का हम बना रहे हैं। हम बेसिकली हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको अगर अपने स्टेट का कटअप जानना हो तो आपका कम कॉमेंट करिए, हम उसका भी वीडियो लेके आएंगे। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सर को जगह देता हूँ, वो कंटिन्यू। छत्तीसगढ़ का मेल का जो है EWS का जो है कटअप बताने जा रहा हूँ, जिसमें जो है नक्सल एरिया में जो है बॉयज का 42 से लेकर 46 के बीच रहने वाला है, और EWS जनरल एरिया में जो है लगभग 60 से लेकर 65 के बीच रहने वाला है। हमारे सर ने आपको बताया कि जो है आपने जो है बहुत अच्छा प्यार दिया हम लोग के वीडियो में, इसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। और आज जो हम करने वाले हैं फीमेल कटअप एक्सपेक्टेड छत्तीसगढ़ 2023, जो कि फाइनल कटअप हमारे हिसाब से तो यही जाना चाहिए। और ज़्यादा बात ना करते हुए आइए मैं आपको समझाने के लिए अपने ब्लैक बोर्ड पे आता हूँ। पहले पोस्ट था भाई 25,271 पोस्ट था, और अभी जो पोस्ट है 46,435, जिसमें जो है अभी फिजिकल के लिए लगभग इसका जो है 8 गुना जो है अभी फिजिकल के लिए बुलाएंगे, जैसा कि SSC ने नोटिस जारी किया है। इसका 8 गुना हो जाता है हमारा 371,480। और जो है फिजिकल में लगभग बोला जाए तो लगभग इसमें करीब करीब 70% जो है लगभग पास होते हैं, और इसका 70% लगभग 8,000 के करीब करीब बच्चे जो है फिजिकल जो है पास करेंगे, जिसमें जो मेल और फीमेल जो है दोनों जो है इंक्लूड है। और मैं बताना चाहूँगा कि मेडिकल में जो है ये वाले के जो है 46,435 जो पोस्ट है उसका जो है 2 गुना जो है मेडिकल के लिए बुलाएगा, जिसमें 92,870 करीब करीब लाख के इतना तक जो है रहेगा, इतना बच्चों को बुलाएगा। तो हमारा अनुमान ये है कि जो है पहले 10 गुना से 11 गुना बुलाता था, और अभी जो बुला रहा है उसमें 8 गुना बुला रहा है। तो पहले जो इसमें जो कटअप था पहले वाले में, उसमें जो है कटअप जो है बहुत ज़्यादा गया था, और अभी वाला जो वैकेंसी आप देखोगे इन दोनों की तुलना करो तो लगभग हमारे हिसाब से तो ये डबल डबल है, लगभग 2-3 हज़ार का फर्क है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी का जो कटअप है बहुत ही कम जाने वाला है। तो आइए दोस्तों अपना जो है अपन कटअप की ओर आते हैं। बेसिकली इसको बता दूं थोड़ा सा, नक्सल एरिया और जनरल एरिया। नक्सल एरिया जो है जो जिला पड़ता है उसमें आता है, वो जो है नक्सल एरिया में आते हैं। और जनरल एरिया के बारे में थोड़ा बताऊँ तो जनरल एरिया जो है जिन का जिला जनरल एरिया में आता है उन लोग का जो है जनरल एरिया से जो है कटअप बनता है। तो दोस्तों हमारे हिसाब से जो है कट ऑफ UR का जाएगा 82-83 के बीच जाएगा, और जो कि नक्सल एरिया का है UR में जो है 78 से लेकर 83 फीमेल का हम बता रहे हैं कट ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल। और जनरल एरिया का देखूँ तो जनरल एरिया में जो है 82 से लेकर 86 के बीच। और हम जो है OBC की बात करें तो OBC में जाएगा 88 से लेकर 92 के बीच, और OBC जनरल एरिया की बात करें तो OBC जो है जनरल एरिया में बहुत ज़्यादा फाइट होता है, जिससे कटअप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसमें जो है लगभग 105 से लेकर 110 के बीच, जिन 105 से 110 के बीच है उनका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और SC का कटअप जाएगा 65 से लेकर 70 के बीच, और एरिया का जो है
एससी का जो है 78 से लेकर 84 के बीच, और जिन जिन का जो है एसटी में नक्सल एरिया में 70 से लेकर 75 के बीच, जिनका जिनका भी है नक्सल एरिया में, जिनका जिला जो है नक्सल एरिया में पड़ता है, उन लोग का जो है फाइनली सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए। और जो है जनरल एरिया का जाएगा 72 से लेकर 76 के बीच, और ईडब्ल्यूएस का जो है नक्सल एरिया में कट ऑफ रहेगा 52 से लेकर 57 के बीच, और ईडब्ल्यूएस का जो है जनरल एरिया में कट ऑफ रहेगा 55 से लेकर 60 तक। तो फाइनली जो है हमारा जो है कट ऑफ जो है तैयार हो चुका है। इसके लिए हमको जो है बहुत मेहनत करना पड़ा है। तो हर कोई बता रहे हैं कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन हमारे अनुमान से जो है कट ऑफ जो है बहुत कम जाने वाला है। क्यों कम जाएगा? कम इसलिए जाएगा क्योंकि जो है पहले जो पोस्ट था बहुत कम पोस्ट था, और अभी जो पोस्ट है लगभग डबल पोस्ट है, और प्लस जो है अभी कई सारी वैकेंसी आई है जिसमें से अग्निवीर का भर्ती है और बहुत सारा है जिसमें जो है बहुत जने जो है उसमें चले जाएंगे। तो ऑलरेडी जो है हमारे हिसाब से तो कट ऑफ कम होना चाहिए। और यही जो है फिजिकल के लिए तो आपको पता ही है, इस बार जो है बहुत कम ले रहे हैं, लगभग जो है 8 गुना जो है फिजिकल के लिए बुला रहे हैं, और मेडिकल के लिए जो है लगभग जो है इसका 2 गुना करें हम 40,435 करें तो लगभग 92,870 के समथिंग जो है बचता है, जिसमें से प्राय जो है लगभग जो है इसमें 70% जो है 70% आदमी जो है 65 से 70% जो है आदमी जो है लगभग आदमी मेल और फीमेल जो है पास हो पाते हैं, जिससे जो है लगभग 18,574 के करीब जो है बच्चे जो है बाहर होंगे। तो जो भी कट ऑफ बढ़ेगा तो कट ऑफ जो है लगभग शुरू में ही ज़्यादा जाने के चांस है। मतलब अभी जो फिजिकल का कट ऑफ है ये जो है सबसे ज़्यादा, अभी उतना तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जितना जो है पहले गया था, तो थोड़ा बहुत जो है जाएगा फिजिकल में, उसके बाद मेडिकल में जो है कट ऑफ जो है बहुत ही कम रहेगा। मेडिकल के बाद जो कट ऑफ लगेगा फाइनल कट ऑफ, इसमें जो है 3 कट ऑफ लगता है। क्या क्या कट ऑफ है? एक जो है फिजिकल के लिए पहला कट ऑफ, दूसरा मेडिकल के लिए, और तीसरा जो है फाइनल कट ऑफ। तो तीनों में जो है नाम आना जरूरी है। और जिन जिन भाइयों का जो है इससे जो है जितना ये नंबर पूरा बताया हूँ आपको, जिन जिन बहनों का जो है 2 से 3 नंबर प्लस माइनस करके चलना, और जो है जिनका जिनका जो है इन नंबर के दायरे के अंदर ना आया हो तो वो जो है निराश मत होए, क्योंकि जो है अपना तैयारी जारी रखें, किस्मत रहे तो मिल ही जाएगा। हम तो आशा करते हैं कि आपको जो है पोस्ट जरूर मिल जाए इस बार, और फिजिकल आप देने जाएं मस्त, फिजिकल अपना 100% दें, और जो है अपना मेडिकल भी 100% दें, और फाइनल कट ऑफ जिसमें आपका जो है नाम आ जाए। वीडियो जानने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन जिन भाई बहनों का जो है कम बनता है उन राज्यों का जो है अधिक से अधिक हम लोग को जो है कमेंट करें, ताकि जो है उन राज्यों का भी कटअप जो है कवर ऑफ करें, और जो है हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड जो कटअप है उसको जो है हम बता पाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद।